उज्जैन में जहरीली शराब कांड में फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उज्जैन में जहरीली शराब कांड में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। इस पूरे मामले में महाकाल पुलिस थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक सुदेश खोड़े फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश पर आरोप था कि वह जहरीली शराब बनाने के लिए मुख्य आरोपी को स्प्रिट उपलब्ध करवाता था। थाना खारा का कुआ के अंतर्गत जो जिंजर नाम की शराब पीने से जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें थाना खारा कुआ में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उस अपराध में अब तक लगभग 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें एक आरोपी और फरार था जो पुलिस का ही जवान था। उसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। उसको बीती रात पकड़ने में सफलता मिली है थाना खारा कुआ पुलिस को, और जो आरोपी है उसको अभी पूछताछ भी की जा रही है, साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश भी किया जाएगा।